हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शबनम फौजी वाइफ। कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ मैं निकली हूँ अपनी ननिहाल के लिए। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो मेरे मामा जी के घर का है, नानी नाना। और वैसे तो मामा जी भी अब नहीं हैं, बट उनके बेटे हैं और मामी हैं। तो आज आपको मैं दिखाने वाली हूँ अपने मामा जी के बेटों और भाभी, सबसे मिलाऊंगी जितना हो पाएगा। आपको हमेशा ही बताया कि मेरी फैमिली में पहले व्लॉगिंग कोई भी नहीं करता था, मैंने ही स्टार्टिंग की है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो मैं उतना ज़्यादा फ़ोन लेके नहीं बना पाती हूँ। और जब भी कहीं घर से निकलती हूँ तो हमेशा ही लेट होती हूँ। तो यहाँ पे ना व्लॉगिंग का स्टार्टिंग करूँगी तो डांट ही पड़ेगी मेरी, इसलिए मैं चुपचाप से एक छोटा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ ताकि उसमें वॉइस ओवर कर सकूँ। तो यहाँ से मैं बस पहुँचने ही वाली हूँ, क्योंकि मामा जी का जो घर है वो वृंदावन में। तो ये है मेरे नाना और नानी जी, मैं पहुँच चुकी हूँ, मैंने वहाँ कुछ भी शूट नहीं किया पहुँचने का। तो ये पूजा जो है कथा थी, कथा और छोटे वाले भाई के बेटे की बर्थडे था। तो और ये है मेरे मामा जी, इनके तीन बेटे हैं, तीनों बेटे। मैं आपको वीडियो में भी, आपने अगर इंस्टा पे वीडियो देखी है तो वहाँ आपने देखा होगा, तो वहाँ पे मैंने भाइयों के साथ एक वीडियो पोस्ट की है। तो यहाँ कथा की पूरी तैयारी हो चुकी थी, मैं पहुँची हूँ कथा बस, तो मैंने ना बस इतना सा ही सूट कर लिया था। तो ये मेरे बड़े मामा जी हैं जो कि RSS से ज्वाइन कर रखा था ना, RSS में जॉब करते थे जो आपको पता ही होगा। तो ये थे संभाग निरीक्षक एक अधिकारी पोस्ट पर। तो और मामा जी के जो बेटे हैं, वो तीन बेटे हैं, तीन बहुएं हैं, उनके बच्चे भी हैं, सभी लोग वृंदावन में ही रहते हैं। वैसे मेरी ननिहाल जो है वो मैनपुरी में ही है, लेकिन सभी लोग वृंदावन में रहते हैं। तो यहाँ मथुरा से वृंदावन में पास में है, तो भाई लोगों ने बोला कि सावन है और कथा भी है, तो दीदी आप आ जाओ, ये छोटा वाला भाई इसने बुलाया था, तो सब लोगों के साथ मैं गई। तो यहाँ पे ना पंडित जी जो कुछ भी है वो मेरे हाथ से करवा रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, मान्य या तो बुआ बहन ऐसे, मतलब जो मान्य होते हैं घर के, मान्य बोलते हैं ना लड़की दामाद, तो उनसे कराते हैं। तो जो मामी की बेटी भी हैं पर वो नहीं आ पाई थी, क्योंकि वो उनकी शादी दूर हुई है, मैं अभी यहाँ पर ही हूँ तो मैं ही पहुँची थी। तो जो कुछ भी पूजा में काम था, तो बच्चे के बर्थडे में जो कथा थी और बाकी जो भी काम था वो सब मैंने ही किया। तो यहाँ पे वही मैं कर रही हूँ और मन मन में सोच रही हूँ, ये मैं पता है जहाँ पे भी मिठाई वगैरह होती ना, वहाँ मेरा मन पता नहीं क्यों भगवान से भी हट के वो मिठाई में चला जाता है। तो यहाँ मैं मिठाई रख रही थी, अपने दिल की बात बता रही हूँ आपको। तो मैं सोच रही थी यार ये मिठाई कितनी अच्छी दिख रही है। तो यहाँ पर बस कान्हा को भोग लगाने के लिए सब कुछ भोग लगा दिया, फिर सत्यनारायण जी की कथा हुई। और यहाँ पर ना बच्चे साउंड वगैरह चला रहे थे, तो यहाँ पर भी मैंने वॉइस ओवर ही किया है। और बाकी कई रीज़न हैं कि नहीं मैं आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, अगर आपको मैं ओरिजिनल पोस्ट करती तो आपको समझ भी नहीं आता। और फ़ैन वगैरह चल रहा था ना, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही, तो क्लियर कुछ भी आपको समझ नहीं आता। तो पंडित जी इतने अच्छे अच्छे भजन गा रहे थे सच में। और मैं सोच रही थी, क्योंकि मेरे जो मामा जी की आप फोटो देख रहे हैं ना, मैं जब भी जाती थी ना और मामा जी हमेशा बुलाते थे और इतने अच्छे से मामा जी पूजा करवाते थे, तो बहुत अच्छा लगता है कि उनके बेटे भी उसी तरीके से सब कुछ करते हैं। पीछे जो बैठी हुई है वो मेरी भाभी और इसी बच्चे का बर्थडे है। तो ये मेरी मामी हैं, बड़ी मामी। मेरे दो मामा जी हैं, एक छोटे एक बड़े। तो ये बड़ी वाली मामी है जो मेरे बगल में खड़ी है। बाकी भाभियों का भी अगर आपको हो सकेगा तो यहाँ मैं अभी आगे दिखा दूँगी, अगर वो वीडियो हुआ। मैंने बहुत लिमिटेड चीज़ें ले पाई हैं, क्योंकि मैं वही बार बार आपको चीज़ बताती हूँ कि मेरे यहाँ कोई नहीं करता ना, तो मेरे को उतना ज़्यादा कंफर्टेबल अभी तक नहीं आया है। लोग सबके व्लॉग देखती हूँ मैं, कि व्लॉग्स में सब लोगों को ले लेते हैं और ओरिजिनल वॉइस में भी आपको दिखा पाते हैं, बट मेरे साथ में वैसा नहीं हो पा रहा है। पता नहीं कब होगा, कोशिश करती रहूँगी, हार नहीं मानूँगी। तो फाइनली कथा हो गई और भाभी भी अभी आ गई रूम में रेस्ट करने के लिए यहाँ पे। और अब मैं दुपट्टा हटा दूँ। पूजा में बहुत अच्छा लग रहा था, पंडित जी जो है ना बहुत अच्छे अच्छे भजन गा रहे थे, लेकिन क्या है ना कि सच में गर्मी एक अलग ही लेवल की है, कि सच में मन को ना हटाए हटा जा रही, बार बार पूजा में से हटा जा रहा था। तो बस यहीं पे बस अब मैं प्रसाद खाना जा रही हूँ, आपको भी प्रसाद दिखाती हूँ, तो आप सब भी आ जाओ। मैंने थोड़ा सा खा भी लिया था, ये पता है, ये देखो प्रसाद। और थोड़ा सा ना मैं बोल के, आप लोग बताना क्या मेरी तरह कोई और भी है कि चन्ना में मुझे ज़्यादा चाहिए, ये वाला आप सब में से कोई है तो बताना कमेंट करके। कहीं कथा होती है तो ये बोलना पड़ता है कि मुझे चन्ना में प्लीज़ अलग से दे दो। मैं कहीं भी कथा हो, घर में हो तो स्टील वाले ग्लास में, तो ये वाली चोरी मेरी ऊपर भगवान के पास लिखी जाएगी कि मेरे को ना चन्ना में तो ज़्यादा चाहिए रहता। खुद करती हूँ पूजा तो चन्ना में ज़्यादा बना लेती हूँ, पता नहीं क्यों, वैसे बनाओ तो अलग से अच्छा नहीं लगता, बट ये पूजा या कथा होती है ना, तो ये चन्ना में का जो स्वाद है ना, आपको देखो यहाँ से दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा,
नहीं दिख रहा होगा क्योंकि लाइट पड़ रही है। तो सच में मैं चन्ना में देखो बोल के लेके आ गई दोबारा से। तो अब ये चन्ना में पी के उसके बाद से अब शाम को भाभी कितने बजे केक कटेगा? 8 बजे। 8 बजे ना, 8 बजे तक केक कटिंग होगा, वो सब भी मैं दिखाऊंगी। तो आप सब बने रहना व्लॉग में। और थोड़ा सा मैं ना आपको अभी सब फ्री हो जाएंगे तो सबसे मिलाऊंगी भी कि ये वाली भाभी कौन सी है, कौन से वाले भैया की ये भाभी हैं। और 3 भाभी हैं मामा के, 3 जो बेटे हैं ना, सबसे मिलाऊंगी। तो तब तक के लिए व्लॉग में बने रहो ताकि आप सबको सारी जानकारी प्रॉपर ढंग से हो सके। तो यहाँ मैं छत पे आ गई हूँ कुछ वीडियो शूट करने अपने भाइयों के साथ। ये जो भाई आप देख रहे हैं, ये 3 भाई जो हैं वो मेरे मामा जी के ही बेटे हैं, और एक जो वाइट शर्ट में हैं जो मरून वाले भैया के बगल में हैं वो इनके ही साले हैं। तो इस तरीके से 4 भाई हैं और यहाँ मैंने 4 के साथ रील शूट की। बहुत ही अच्छा लगा सच में। मैं कभी भी इन लोगों को मैंने कभी राखी नहीं बांधी है, बट मेरे मामा जी के जो बेटे हैं उनसे मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है। और बहुत ही, क्योंकि सब बहुत बड़े भी थे, एक छोटा है, बाकी सब मेरे से बड़े ही हैं। तो इन सब ने ना मेरी विदा में, मेरे भाई इतना ज़्यादा, मतलब जो मेरे बड़े भैया हैं वो बहुत रो रहे थे, तो उन लोगों ने हमको गोद में नहीं उठाया था, बट इन्हीं भाई ने मेरे को गोद में उठा के ना विदा किया था। इसलिए मेरे को ना अंदर से बहुत बड़ी फीलिंग है उनके साथ। किसी ने देख लो, ये बहुत बड़ी चीज है, किसी ने वाइट दुपट्टा अपना दे दिया। नहीं यार, दिल खुश कर दिया भाभी। लेकिन मैं फिर भी इससे ही पूछ रही हूं, नहीं नहीं अगली बार से आप, नहीं 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 मैं आपको गिफ्ट कर दूंगी। ज्यादा ऐसे पूछते नहीं है, बस वो है कि वो पसीने से वो जाएगा नहीं, मुझे लग रहा है। देखो यहाँ गार्डन दिखाओ, ये डराओ। मेरे मामा जी ने ना यहाँ पे पहले गार्डन, तो ये ना ये देखो, किसी टाइम पे यहाँ पे ना बहुत अच्छा गार्डन होता था, मामा जी बनाते थे। अब तो भैया लोग तो सब जॉब करते हैं। ये भाभी है, ये तो वो नहीं, अब यहाँ पे गार्डन नहीं है सच में, लेकिन मामा ना यहाँ पे इतना सुंदर गार्डन बना था, इतना सा आपको क्या बताऊँ। और ये वाला प्लॉट भी, ये वाला प्लॉट भी आपका ही है ना? हाँ, तो ये वाला प्लॉट भी, इधर जो भी ये पास में जो प्लॉट है ये मामा के ही है। तो यहाँ पे वो देखो, वहाँ पे अलग चल रहा है सूट, वो देवर भाभी को देख लो, ये देखो। तो शाम के टाइम जब ये केक कटने का टाइम है, ये यहाँ डेकोरेशन हो गई है। तो ये सबसे छोटी वाली भाभी है, मतलब ये सबसे मेरे से छोटी है, तो मैं भाभी तो नहीं बोलती, नाम लेती हूँ। यहाँ आपको ना दिख रही है, ये दोनों सबसे छोटे हैं, मामा जी के सबसे छोटे बेटे और बहू हैं। तो ये तो बहुत ही बिजी थी बिकॉज इसके ही घर में काम था। और ये बड़ी वाली है और ये बीच वाली है, तो ये 3 भाभियाँ हैं। तो यहाँ पे ना इतना, मतलब सब हंस रहे थे, एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे हम लोग। और वही कि नीचे बहुत ज़्यादा लाइटिंग का भी थोड़ा प्रॉब्लम था, तो उतना वो भी नहीं हो पाया, सूट नहीं हो पाया अच्छे से। तो यहाँ पे बस सबका ब्लू था और मेरा कोइंसिडेंट था, हमको मालूम भी नहीं था कि बर्थडे में सबको ना केक कटने के टाइम ना ब्लू ड्रेस पहननी है, बट मैं ऐसे लेके गई थी तो मैंने ना ये ब्लू वाला सूट वेयर कर लिया। मेरे को बड़ी खुशी हुई कि मैंने मैचिंग मैचिंग हो गया, ना चाहते हुए भी मैचिंग हो गया। और मुझे तो वैसे भी बहुत शौक है। तो यहाँ पे बड़ी भाभी, उनका भी बर्थडे था और बच्चों का भी बर्थडे था, ये छोटे वाले बाबू का, तो इसका दोनों का साथ में केक कट रहा। यहाँ बड़ी वाली जो मामी है, मेरी जो मामी, वो ये हैं, और यही तिलक, सबसे पहले मामी से ही तिलक करवाया, तो उसके बाद बाकी सब ने यहाँ पे तिलक किया। बहुत ही अच्छा लगा। और जब हमारे भाई या भाभी स्पेशल तरीके से बोलते हैं ना कि दीदी आ जाओ, तो कितनी खुशी होती है सच में। तो रियली भाइयों से ज़्यादा जब भाभियाँ कहती हैं कि दीदी आ जाओ आप घर में, सावन है, तो बहुत खुशी होती है। तो यहाँ फौजी साहब आप देख रहे हैं पहुँच चुके हैं, और फौजी साहब ना इतनी सारी चॉकलेट लेके आए थे कि जितने भी छोटे छोटे बच्चे वहाँ आए थे इतने खुश हो रहे थे चॉकलेट्स ले लेके सच में। तो कुछ क्लिप जो है मैं दिखाती हूँ आपको रियल, ये पवन पे गया, पवन ने पूरी वीडियो में कैमरे में देखा है। चल आज आगे बढ़ो, आपका नाम क्या? माही।
कैसे माई कहते हैं ऐसे तो माई अरे माई तो सीधी नहीं हो रही है भाई भाई सीधी हो थैंक यू बोलो तू चलो नहीं खा तेरा क्या है अभी पूरा नाम बताया आज का बच्चे शॉर्ट नाम बता रहे हैं अभी नाम बता पूरा नाम क्या है अभी बन्नू ये किसका है पहचानो किसका है ये इसके गाल पे गड्ढा देके पहचानो किसका है भाभी भी खड़ी क्या ललिता को बुला ललिता को बोलो ललिता राधा भाई पूछो क्या करी ललिता रह गई अभी तो ये है मामा जी के सबसे बड़े बेटे जिनसे ना मेरी मतलब ऐसी फीलिंग आती है कि ये भी मामा जी है मतलब मामा जी का सारी चीज़ें इनमें देखने को मिलती हैं बहुत ही सादा और सिंपल रहना बहुत ही प्यार से बात करना सबसे तो बस यही इसके बाद अब खाना पीना यहाँ स्टार्ट हो गया है फौजी साहब के लिए खाना ऊपर जो ऊपर वाले रूमों में एसी लगी है नीचे नहीं था तो ऊपर वाले रूमों में ये भैया खाना यहाँ लेके आ गए कि आप चीज़ी यहाँ खा लीजिए क्योंकि इधर वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और हवन वगैरह की वजह से धुआं भी हो गया था ये तो फेवरेट है फौजी साहब का तो जब तक फूफा जी रहेंगे वो वहीं बैठेगा हम सब जाते हैं और बच्चे हमसे इतने घुले मिले हैं बहुत अच्छा लगता है बहुत खुशी होती है कि करते हैं बुआ जी फूफा जी बस यहाँ खाना खाने के बाद अब हम निकलेंगे और क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया फौजी साहब मुझे छोड़ गए थे फिर ये शाम को लेने के लिए आए क्योंकि उनका तो ड्यूटी है तो वो उतना टाइम नहीं रुक पाते हैं 5-10 मिनट के लिए छोड़ के चले गए थे फिर मुझे शाम को अभी लेने आए हैं तभी यहाँ पे खाना खा रहे हैं तो बस निकलने का टाइम हो रहा है तो फाइनली खाना खा लिया है और भाभी को देखो ये बड़ी भाभी का फ़ायदा होता है बड़ी भाभी को मैं परेशान कर रखा है गोद में लेटी हूँ आराम से और छोटी वाली भाभी आ गई चेंज करके सबको ना मैंने वीडियो भी पता भाभी है वो देखो मजा मत दिखा भैया नहीं दिखा रही लो आपको क्या फिर आपने क्या पहन रखा है नहीं दिखा मैंने नई ड्रेस पहन रखी है अरे नहीं इतना भी क्या है बढ़िया अच्छा लग रहा है पता है अब मन नहीं कर रहा है अभी जाने का मेरा है ना अभी हेड मसाज लो पार्लर पे आऊंगी आपके है ना हाँ जरूर तब एकदम वो करना मेरा मसाज तो ये सबसे बड़ी भाभी है और इनका जो प्यार है ना बिल्कुल माँ वाला है सच में इतनी अच्छी फीलिंग आती है और एकदम बच्चों की तरह ट्रीट करती है ऐसे बहुत ही अंदर से खुशी सी हो जाती है मुझे कि बस ऐसे गोद में लिटा लिया कि दीदी और बोलती मुझे दीदी है जबकि भैया मेरे से बहुत बड़े हैं तो यहाँ पे ना बोल रही थी दीदी आ जाया करो जल्दी पास में हो आप तो बस यहाँ से बस अपना थोड़ा सा प्यार व्यार बटोर के अब मेरे को फिर चलना पड़ेगा यहाँ से बाय करते हुए बाय बुआ के बच्चे बाय 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 अब सब लोग जाओगे ये गेट पे खड़े रहो मामी कहाँ गई ऊपर ही ऐसी में ऊपर ये टक्के रह गई और मुझे छोड़ने के लिए ऊपर गई थी और नीचे आ गई मामी ऊपर ही रह गई चलो ठीक है किसी से अभी बाय 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 भैया नमस्ते मैं करूंगा।